क्या आपको पता है भारत दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, जिस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूज लोन्स लेती है। जैसे कि NTPC लगभग 2.2 लाख करोड़, अदानी ग्रीन लगभग 57,000 करोड़, टाटा पावर लगभग 52,000 करोड़ डेट या फिर उधार लिया है, लेकिन इतना पैसा आता कहाँ से, कौन देता है इतना ज्यादा लोन? और इन सारे कंपनीज को लोन देती है IREDA, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो कंपनी IRFC से लोन लेती है। बिल्कुल ही सेम तरह से अगर रिन्यूएबल सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी की किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो कंपनी IREDA से लोन लेती है। जैसे कि फरवरी 2022 एक नया प्रोजेक्ट के लिए सुजलन एनर्जी IREDA से टोटल 500 करोड़ रुपीस की लोन लिया था। और फिलहाल IREDA अपना IPO लेकर हाजिर हो चुका है। जैसे कि 2021 में IRFC अपना IPO लाने की बात से अभी तक 250% रिटर्न बना के दिया है, क्या इस IPO से भी हमें उतना ही उम्मीदें रखना चाहिए? जो भी है, मैं गौरव नंदी, आज की वीडियो के अंदर हम इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इनके बिजनेस मॉडल समझेंगे, इसके फाइनेंशियल हम समझेंगे और बात करेंगे क्या इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम IPO के दृष्टिकोण से इस IPO को डिटेल में टेक्निकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस IPO से हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बिजनेस मॉडल IREDA एक मिनी रत्ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अंडर आती है। देखिए, मिनी रत्ना ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज को कहा जाता है जिनकी पिछले 3 साल की प्रॉफिट 30 करोड़ से ज्यादा है और जिनकी नेटवर्थ पॉजिटिव में है। IREDA की उद्देश्य है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन की बढ़ावा देना, अगर किसी कंपनी को इस फील्ड में पैसे की जरूरत है तो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना। देखिए, IREDA भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपनीज है। IREDA अपनी उसी कस्टमर्स को लोन देता है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है या फिर काम करना चाहते हैं। लेकिन अभी सवाल आता है IREDA खुद कहाँ से फंड की जुगाड़ करता है? देखिए, IREDA एक गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से घुमा फिरा के पब्लिक की पैसा फाइनली उनके पास जाता है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात छोड़ के प्रैक्टिकली बात के ऊपर फोकस करते हैं, देन IREDA टोटल 2 सोर्स की मदद से पैसा फंड जुगाड़ करता है, जिनमें से पहला है डोमेस्टिक सोर्स और दूसरा है इंटरनेशनल सोर्स। नंबर 1, डोमेस्टिक सोर्स में IREDA पब्लिक और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को बॉन्ड बेचती है। बॉन्ड से जो पैसा मिलता है वो पैसा रिन्यूएबल एनर्जीज को एज अ लोन्स देती है और लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट की एक हिस्सा जिसने भी बॉन्ड खरीदा था उन्हें एज ए इंटरेस्ट एज ए रिटर्न पे करता है और बाकी जो इंटरेस्ट बच जाता है वो होता है IREDA की प्रॉफिट। नंबर 2, इंटरनेशनल सोर्स में IREDA फॉरेन बैंक या फिर अलग अलग एजेंसी से लोन लेती है रिन्यूएबल सेक्टर्स में फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। IREDA अलग अलग जगह से लोन लेती है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसके अलावा KfW जर्मनी। इसके अलावा IREDA अपनी कस्टमर्स को कंसल्टेंसी या फिर एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ऐसी कंपनीज को सर्विस देती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट प्लान डिजाइन या फिर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इन सर्विसेज से IREDA फीस चार्जेस करती है। इन सब के अलावा IREDA इन्वेस्टमेंट डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से भी पैसा कमाता है। और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से IREDA टोटल 3 जगह से रेवेन्यू जनरेट करता है। इनमें से इनकी सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है इंटरेस्ट इनकम, जहाँ से 95% रेवेन्यू आता है। इनके लगभग 4% रेवेन्यू आता है इन्वेस्टमेंट से और बाकी लगभग 1% से भी कम आता है एडवाइजरी फीस से। IREDA अब तक लगभग 2800 से ज्यादा प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है, जिनमें से 1700 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है और बाकी लगभग 1100 की आसपास प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। अब इनके पास 2 तरह के कस्टमर है।
पहला है कॉर्पोरेट कस्टमर और दूसरा है नॉन कॉर्पोरेट कस्टमर। यहाँ पे कॉर्पोरेट कस्टमर की मतलब है ऐसी कस्टमर या फिर ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, जैसे कि NTPC, अदानी ग्रीन, सुजलैंड एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यू पावर, हीरो फ्यूचर एनर्जीज, ACMA सोलर होल्डिंग, ग्रीनको ग्रुप, आजूर पावर, इसके अलावा JSW एनर्जी जैसी कंपनीज। इसके अलावा नॉन कॉर्पोरेट कस्टमर यानी कि कोई इंडिविजुअल, NGOs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट वगैरह वगैरह शामिल है। और ऐसी कस्टमर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बहुत ही स्मॉल स्केल में करती है। इन सब के अलावा IREDA स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि साल 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 1000 करोड़ का लोन दिया था सोलर पार्क प्रोजेक्ट के लिए। साल 2019 में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट्स को 500 करोड़ रुपीस की लोन दिया था। साल 2020 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट्स को हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपीस की लोन दिया था। इसके अलावा साल 2021 में तमिलनाडु गवर्नमेंट्स को 200 करोड़ का लोन दिया था बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। और 2022 में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट्स को दिया था 100 करोड़ की लोन। इन सब के अलावा साल 2023 में गुजरात गवर्नमेंट्स को 50 करोड़ की लोन दिया था एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट वाइज देखा जाए तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, IREDA इन सभी सोर्सेस के लिए लोन, कंसल्टेंसी या फिर एडवाइजरी सर्विस देती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी लगभग भारत की हर एक कोने में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी आपकी स्क्रीन पे है IREDA की लेटेस्ट लोन पोर्टफोलियो। इस डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा लोन 30% सोलर एनर्जी सेक्टर में, उसके बाद विंड एनर्जी सेक्टर 23% और लगभग 20% स्टेट गवर्नमेंट, और इन सब के अलावा बाकी लोन्स हाइड्रो, बायोमास एंड अदर सेगमेंट्स में दिया गया है। अभी कंपनी की फाइनेंशियल डेटा देखा जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। पिछले 3 सालों से ही कंपनी की एसेट, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट तीनों ही लगातार इंक्रीज हुआ है। और जैसे ये कंपनी लोन्स देती है इसलिए इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज्यादा है, जो कि लगभग 6.77%। दूसरी साइड पे इस कंपनी की डेट टू एसेट रेशियो है 0.78 और ROE है 15.44, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी की NPA लगातार डिक्लाइन होकर फिलहाल हुआ है 1.66%, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से IREDA की फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। भारत सरकार की टारगेट है 2030 तक 450 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के साथ ही साथ IREDA के पास भी है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा IPO से इस कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा इन्हें मदद करेगा खुद की लोन बुक को और ज़्यादा फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। इस कंपनी की दो कंपटीटर है जिनमें से पहली है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके अलावा REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये दो कंपनीज की मेन फोकस रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी फोकस IREDA के पास एक मोनोपोली एडवांटेज है। इसके अलावा IPO में इस कंपनी की पी रेशियो होने वाला है 8.46। अगर आपको लगता है कि पी रेशियो बहुत सस्ता है तो आप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसकी प्यार कंपनीज की पी रेशियो इससे भी काफी कम है। आप स्क्रीन पे कॉम्प्लीट डेटा देख सकते हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन सस्ता होने की वन एंड ओनली रीजन है डिविडेंड। इस कंपनी को टोटल जितना भी प्रॉफिट होता है उसकी 30% एज ए डिविडेंड सारे शेयर होल्डर्स को देती है, जिस वजह से इनकी पी रेशियो इतना कम है। अभी IPO के दौरान इनकी शेयर प्राइस होने वाला है 30 रुपये के आसपास। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छा है तो इनकी शेयर प्राइस 30 से 100 रुपये तो होगा ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा होने की चांस काफ़ी कम है। नो डाउट कंपनी अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड भी है, लेकिन दूसरी कंपनी के जैसे ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। ये कंपनी बिल्कुल IRFC जैसी है। इस स्टॉक से आपको अच्छा डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा ही मुझे लगता है। और अगर फ्यूचर में जाकर रिन्यूएबल सेक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट होता है तब इस कंपनी से अच्छा खासा वेल्थ भी बन सकता है।
लेकिन मेरे हिसाब से आईपीओ की वैल्यूएशन और थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए था, इसलिए हो सकता है लिस्टिंग के बाद हमें प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिले। जो भी है, अभी आपका क्या राय है जरूर से नीचे कमेंट में बताइए। तो इस कंपनी की बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, मैं पर्सनली इस कंपनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है लॉन्ग टाइम पे इस कंपनी से हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद से मैं पर्सनली इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ याद रखना, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ और आज की वीडियो केवल स्टडी पर्पस के लिए। किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर ना करने से पहले कुछ से स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन अभी सवाल आता है, इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा? देखिए, लिस्टिंग गेन की आइडिया पाने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ शुरू होने वाला 21 नवंबर से और आईपीओ अप्लाई करने की अंतिम दिन है 23 नवंबर। आईपीओ के दौरान शेयर प्राइस होने वाला है 30 रुपीज से लेकर 32 रुपीज के बीच में, विद द मिनिमम लॉट साइज ऑफ 460 शेयर्स। इस आईपीओ की मदद से कंपनी मार्केट से टोटल 2,150 करोड़ 21 लाख रुपीज उठाना चाहते हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू की अमाउंट है 1,290 करोड़ 13 लाख रुपीज, जो ही कंपनी की बिजनेस के अंदर निवेश होने वाला है। इसके अलावा बाकी 860 करोड़ 8 लाख रुपीज है ऑफर फॉर सेल, जो कि जाने वाला है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जेब में। तो जैसे कि हमने देखा, आईपीओ साइज काफी बड़ा है, लेकिन इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है उसके क्लियर आइडिया पाने के लिए आइए ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर फोकस करते हैं। आज की लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इस आईपीओ की जीएमपी चल रहा है करीब करीब 8 रुपीज, और अगर हम इस जीएमपी की मदद से कैलकुलेशन करते तो हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ से हमें लगभग 25% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस डेटा की बेसिस पे मुझे लगता है कि इस आईपीओ से हमें स्मॉल टू मीडियम लेवल की लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसी उम्मीद से मैं पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहता हूँ। अभी आपका जो भी राय है जरूर से नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के जैसे ही क्वालिटी आईपीओ एनालिसिस आगे भी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखना, आज की वीडियो है कंप्लीट स्टडी पर्पस के लिए। किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले या फिर अप्लाई ना करने से पहले जरूर से खुद से स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। जो भी है, थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।